हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो नेक्स्ट वीक के बड़े ट्रिगर हैं वो कौन से रहने वाले हैं, और इस वीकेंड के ऊपर मार्केट से रिलेटेड कौन सी बड़ी खबरें हैं वो आई हैं, जैसा कि कोटक बैंक के रिजल्ट किस प्रकार के आए हैं, उसकी गिरावट कब थमने वाली है, एनएससी और बीएससी से रिलेटेड कौन सी खबर आई है, और बीएससी लिस्टेड कंपनी है तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। पूरा वीडियो आपको देखना है, चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती है, साथ में आप हमसे अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं जो यहाँ पे ट्रिगर हैं और जो खबरें हैं उनके ऊपर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो खबर है वो एनएससी से रिलेटेड ही है, और इसका बीएससी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एनएससी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे जारी किए हैं, और एनएससी के रिजल्ट्स से यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि बीएससी में क्या करना है। ठीक है, तो देखो एनएससी के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स आए हैं। इनका जो यहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 20% इंक्रीज हो के आया है, कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू है 34% इंक्रीज हो के आया है, और इन्होंने यहाँ पे बोनस है वो देने के लिए भी कह दिया है, एक शेयर के बदले 4 शेयर हैं यहाँ पे दिए जाएंगे, और डिविडेंड 90 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये देने वाली है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे रिजल्ट्स हैं वो आए हैं, और साथ में यहाँ पे ये 3 डेटा आपके सामने हैं कि जनवरी मार्च में जो कैश मार्केट के अंदर यहाँ पे जो शेयर है एनएससी का, ठीक है, बीएससी एनएससी और अदर एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर ज़्यादा ट्रेडिंग कहाँ पे हो रही है, तो इसका मार्केट शेयर की अब अगर हम बात करें तो कैश मार्केट में 92% ट्रेडिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे एनएससी के ऊपर हो रही है। इक्विटी ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे 94.14% की ट्रेडिंग हो रही है, और इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें तो 99.91% की ट्रेडिंग एनएससी पे ही हो रही है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि एनएससी है वो एकदम शानदार ट्रेडिंग यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, एक्सचेंज है, और इसका रेवेन्यू और इनकम काफ़ी सॉरी जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। लेकिन अब ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, और इसकी अगर हम बात करें लिस्टेड कंपनी की तो वो है बीएससी। ठीक है, अब बीएससी की हम बात करें तो बीएससी के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, तो बीएससी के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि वॉल्यूम्स हैं वो थोड़े कम आ रहे हैं, तो ये एक्सपायरी है उसको चेंज करते हुए जा रहा है, और अभी एक एक्सपायरी को भी चेंज कर रहा है, और इसके अंदर भी वॉल्यूम्स की बात करें तो ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीएससी के अंदर एक गिरावट हुई थी, यहाँ जो सेबी है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और ऑप्शंस के प्रीमियम के ऊपर ये कैलकुलेशन करते थे अपने जो टैक्स है उसकी, और फिर यहाँ पे सेबी के पास जमा करवाते थे, तो सेबी ने कहा कि प्रीमियम के ऊपर नहीं, जैसा जो एनएससी कैलकुलेट करके हमें पेमेंट करती है उसी तरीके से आप भी कीजिए, और इस चक्कर के अंदर ये गिर गया था। और अब जो यहाँ पे इसके ऊपर डेंट लगने वाला था उस डेंट को इन्होंने क्या कर दिया है, जो यहाँ पे फाइनल ट्रेडर हैं उनके ऊपर पास कर दिया है, क्योंकि ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं उसको 24 से 32% इंक्रीज करके एनएससी के बराबर लेके आ गया। पहले एनएससी से कम थे, अब एनएससी के बराबर ट्रांजेक्शन चार्जेस कर दिए हैं, तो वो चीज़ एक वाइप आउट हो जाएगी। और यहाँ से एनएससी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, तो एनएससी को देखते हुए बीएससी है वो ये काफी अच्छा अपसाइड दिखा सकता है, लेकिन इसके अंदर एक लेवल है 2850 का, वो निकलेगा तो इसके अंदर तेजी बनेगी, तो वहां पे आप फोकस करके रख सकते हो। तो ये यहाँ पे मैंने इसके बारे में आपको क्लियर कट चीज़ें बता दी हैं। अब हम चलते हैं जो सेकेंड न्यूज़ है उसके ऊपर, तो न्यूज़ है कोटक महिंद्रा बैंक से। ठीक है, इसके अंदर भी एक गिरावट हुई है, आरबीआई ने इसके ऊपर कुछ यहाँ पे बैन है वो लगाए थे, और अब आप देखोगे कि कोटक बैंक है, ठीक है, उसने रिजल्ट्स किस तरीके के यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, तो रिजल्ट्स में आप देखोगे सबसे बढ़िया जो स्लाइड है ये आप देख सकते हो कि इसने डिविडेंड, तो ये तो छोटी सी चीज है, लेकिन इसका जो यहाँ पे प्रॉफिट है उसका अनुमान ही 3450 करोड़ था, और प्रॉफिट कितना आया है 4133 करोड़ रुपए का,
और जो यहाँ पे आप देखोगे कि ईयर ऑन ईयर जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो यहाँ पे 3495 करोड़ से बढ़कर के 4133 करोड़ मान के चल रहा है। मार्केट मान के चल रहा था कि इस बार पिछले बार जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, ये 3495 करोड़ उससे भी कम प्रॉफिट होगा, लेकिन इस बार काफी अच्छा इंक्रीज हो गया है। एनआईआई की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 6909, ठीक है, 6900 से बढ़ ये इतनी आई है। और ये पिछले बार कितनी थी, अनुमान कितना था इसका, 6750 का अनुमान था, ठीक है। और जो यहाँ पे आप देखोगे पहले आई कितनी थी, 6102 करोड़ से बढ़कर के 6900 करोड़ के करीबन आई है। एनपीए तो यहाँ पे नेट एनपीए है वो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे कि इनके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन ग्रॉस एनपीए घट के आए हैं, प्रोविजनिंग हल्की सी बढ़ के आई है, और निम्स आप देखोगे काफी इंक्रीज होके आए हैं। तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, तो इसका मीनिंग क्या यहाँ पे हमें बाइंग कर लेनी चाहिए, तो बिल्कुल भी अभी नहीं। इसके चार्ट को आप देखोगे तो अभी 1546 1550 के करीबन चल रहा है, ठीक है। और अब इसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक यहाँ पे काफी जबरदस्त जो सपोर्ट एरिया था वो ब्रेक डाउन कर चुका है। मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर इमीडिएटली जिस तरीके से यह गिरा है उसी तरीके से वी शेप रिकवरी होती है तो बहुत अच्छी बात है, यहां से वापस रिकवर करके पहले वाले लेवल के पास में चला जाएगा और ये रिजल्ट्स इसके दमदार हैं, वहां जा सकता है। लेकिन अगर ये यहां पे बना रहा और 7 से 8 दिन भी बना रहा ना यहां पे, ठीक है, तो फिर मार्केट इसको 1450 रुपए के करीबन लेके आएगा, और 1450 1446 के लेवल के पास में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इसके अंदर कोई अगर और नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो आंख बंद करके उस लेवल के पास में ले सकते हैं, क्योंकि उस लेवल के नीचे मार्केट ये इसको नहीं जाने देगा। अगर ये कोटक महिंद्रा बैंक उस लेवल के नीचे चला गया ना तो फिर पूरा मार्केट ही नीचे जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड, ठीक है। अब चलते हैं जो इसके बाद में न्यूज है वो है लोकसभा इलेक्शन को लेकर के, और ये नेक्स्ट वीक के लिए ट्रिगर के जैसे काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीक में आप देखोगे कि 7 मई को यहाँ पे इलेक्शंस हैं और वो थर्ड फेज इलेक्शन का होने वाला है। फर्स्ट फेज के अंदर और सेकंड फेज के अंदर आप देखोगे कि 66.14% और 66.7% के करीबन यहाँ पे वोटिंग है वो ही थी। और 2019 के अंदर आप देखोगे कि फर्स्ट फेज के अंदर 69% हुई थी और सेकंड फेज के अंदर 69.5 के करीबन हुई थी, तो ये थे। और अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट 2 से 3% के करीबन यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज डिक्रीज हो के आ रहा है। और ये जो वोटिंग परसेंटेज है ना, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं कि ये यहां पे बीजेपी के वोट्स हैं वो कट रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे 7 मई को जो वोटिंग होगी 96 सीटों के ऊपर होने वाली है, 12 स्टेट्स के अंदर होगी, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अंदर ये वोटिंग होने वाली है। तो इसके अंदर फिर से देखना है कि वोटिंग किस प्रकार की हो रही है। हालांकि अगर ये यहां तक भी पहुंच जाती है, ठीक है, तो भी ये अच्छा है, लेकिन यहां से अगर घट के आती है तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव होने वाली है, ठीक है। तो एक ये ट्रिगर आपको समझ में आना चाहिए, और ये 7 मई को डेटा जारी हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पे कमिंग वीकेंड के अंदर जो यहाँ पे ट्रिगर है वो यूनाइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो थर्सडे को यहाँ पे जॉबलेस क्लेम के डेटा है वो आने वाले हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। यूरोप के एरिया के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है या उसकी मीटिंग है वो होने वाली है, तो यहाँ पे फ्राइडे को होगा, तो वो डेटा आपको ध्यान रखना है। जापान की अगर हम बात करें तो जापान के अंदर यहाँ पे जो ये आप देख सकते हो कि करंट अकाउंट और स्पेंडिंग्स हैं, ये जो डेटा है वहाँ के काफ़ी अच्छे होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के अंदर जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो आपको ध्यान रखना है, और व्हीकल्स के सेल डेटा है ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में हम यूके की बात कर लेते हैं। यूके के अंदर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है कि वहाँ के बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसकी इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन आएगा, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। थर्सडे के दिन अपनी जो एक्सपायरी है निफ्टी की उस दिन ये चीज होने वाली है, ठीक है। तो ये एक डेटा है जो आपको नेक्स्ट वीक मिलने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट वीक ही यहां पे कई सारी कंपनियों के रिजल्ट्स हैं वो आएंगे, और देखो आपको पता होना चाहिए कि इस रिजल्ट सीजन के अंदर मार्केट है वो कंपनियों के रिजल्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये जो कंपनियां हैं ये कंपनियों के रिजल्ट्स आएंगे, और साथ में इन कंपनियों के रिजल्ट्स भी हैं वो भी आने वाले हैं। तो यहां पे लगभग 300 कंपनियों के रिजल्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, और आपके
आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कहीं आप लेने का प्लान कर रहे हो वो कंपनी का रिजल्ट तो नहीं है, तो ये कंपनियों के रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं, उसी के बाद में कोई भी प्लानिंग करनी है। इसी के साथ में इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के HSBC सर्विस PMI का फाइनल जो नंबर है वो आने वाला है 6 मई को, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखनी है। और फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व, उसका भी डेटा है 3 मई को आने वाला है। तो ये चीज भी आपको, सॉरी, जो यहाँ पे 3 मई तक का डेटा है वो आने वाला है, और इसी के साथ में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है वो 10 मई को आएगा, तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है यहाँ पे आप देखोगे कि 5.7% यहाँ पे इंक्रीज होकर, सॉरी, 5.7% इंक्रीज हुआ था 3.8% से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस बार किस टाइप का ये आएगा, ठीक है। तो एक ये यहाँ पे डोमेस्टिक डेटा है, उनके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। और साथ में जो यहाँ पे नेक्स्ट वीक की कंपनियों के कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, तो यहाँ पे कंपनीज के नेम हैं, उनके सामने यहाँ पे कौन सा कॉर्पोरेट एक्शंस लिया जाएगा, डिविडेंड है, ठीक है, बोनस है, या फिर कोई भी ऐसा इंटरिम डिविडेंड हो गया, कोई भी स्प्लिट है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। और उसी की जो एक्स डेट है, ठीक है, जिसके ऊपर शेयर के, जिस दिन शेयर के ऊपर इनका इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। तो कहीं आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनियों के शेयर्स तो नहीं है जिनके ऊपर यहाँ पे कोई ना कोई चीजें हो सकती हैं, तो ये यहाँ पे एडजस्टमेंट होंगे इन कंपनियों के अंदर, तो ये डिटेल भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारे मार्केट की खबरें हैं, और इम्पोर्टेंट जो ट्रिगर है वो मार्केट के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।